सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आज की वीडियो आपको कुदरती खेती प्राकृतिक खेती की मैं दिखा रहा हूं किसान भाइयों। ये वीडियो गांव दुबेटा जिला हिसार हरियाणा से मैं दिखा रहा हूं। इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही अद्भुत चीज़ के बारे में मैं दिखाऊंगा जो कि हमारे खेती का जो काम है उससे विलुप्त होती जा रही है। बिल्कुल ये जो आप ज़मीन देख रहे हैं इसकी अभी जुताई चल रही है वो भी बैल के साथ, और बैल हमारी खेती से बिल्कुल हट गए हैं। बैल से अभी कोई काम नहीं करता है। इस ज़मीन के बारे में बता दूं मैं आपको, इसके अंदर पहले थी ज्वार, सरगम सुडान ग्रास ऐसे थी जो ज्वार होती है पशुओं का चारा, वो लगा रखी थी। ये देखिए आप इसके जड़ें अभी देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी जुताई है वो एक बैल से की गई है, और उसका जो हल है यंत्र है साथ में जो जुड़ा हुआ है जो चल रहा है उसके बारे में डिटेल से आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले ज़मीन के बारे में दिखा दूं, बहुत ही शानदार जुताई कर रखी है ज़मीन की। इधर तो थोड़ा सा घास अभी दिख रहा है, कम से कम 2-3 बार जुती होगी ये, और जो जड़ें निकली वो इकट्ठी की गई हैं। पहले पूरा का पूरा काम बैलों से होता था, आजकल जो ट्रैक्टरों से होता है वो पूरा का पूरा काम बैलों से होता था। किस प्रकार बैल हमारी खेती के अंदर कामयाब हैं, कुदरती खेती का पार्ट है, प्राकृतिक खेती का पार्ट है। जो साथी कुदरती खेती करते हैं उनके लिए वीडियो बहुत काम का है, इसमें बहुत नॉलेज आपको मिलेगी किस प्रकार हमारे पुराने यंत्र खेती जैसे होती थी बैलों से यंत्रों से, उनके बारे में आपको थोड़ा सा एक मैं दिखाने की समझाने की कोशिश करूँगा। और जो हमारे अंकल जी आज ये बैल से यंत्र चला रहे हैं उनसे बात भी करेंगे, ये जो यंत्र है इसका नाम भी बताएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि एक ही बैल से अभी काम हो रहा है, लगभग जो यंत्र होते हैं उनमें 2 बैल की जरूरत पड़ती है, अभी जो यंत्र चल रहा है उसमें एक ही बैल चल रहा है, और साथ में यंग अंकल जी हाथ से ऑपरेट कर रहे हैं इसको। ये देखिए बहुत ही कमाल का यंत्र है, और बहुत अच्छी गहरी ज़मीन इसमें जुताई हो रही है। अंकल जी से बात भी करेंगे, और कुदरती खेती नेचुरल खेती से जो साथी जुड़े हुए हैं उनके लिए ये बहुत काम की वीडियो है, ज़रूरी वीडियो है, और इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी पुराने यंत्रों के बारे में और किस प्रकार से काम करते हैं, इसका क्या फ़ायदा है, ज़मीन अच्छी बनती है, खर्चा बचता है, समय बचता है, पर्यावरण भी सुधरता है, बहुत सी महत्वपूर्ण बातें अंकल जी से करेंगे। अभी देखिए हाथ से ही बहुत अच्छे से ऑपरेट कर रहे हैं, थोड़ी सी ज़मीन में ही बैल मुड़ जाता है, टर्न हो जाता है, इसके लिए स्पेस भी मैनेज हो जाता है, सोयल का जो कल्टीवेशन है बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। ये देखिए एक साइड में उन्होंने एक लकड़ी लगा रखी है, दूसरी तरफ लोहे की राड है, और 3 हल का ये जो यंत्र है वो बैल एक ही बैल के साथ चल रहा है। ये देखिए बहुत शानदार बहुत गहरी जुताई कर रहा है, जो ट्रैक्टर के यंत्र हैं वो इतने ज़्यादा गहरी जुताई नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं, आपके पास ट्रैक्टर नहीं है, आप किराए से जुताई करवाते हैं तो बहुत महंगा भी पड़ता है, बहुत खर्चीला पड़ता है। और ये छोटा सा टुकड़ा है, इसके अंदर अभी सर्दी के अंदर आने वाली फसल है जई और बरसिन, पशुओं का चारा है, लीफ फोडर जो ग्रास है वो इसके अंदर लगेगा। और इस छोटे से टुकड़े के लिए अंकल जी के दिमाग में ये आया कि इसको बैल से ही तैयार किया जाए, तो मैं अभी अंकल जी से बात करता हूँ और इस यंत्र के बारे में जानकारी युवा साथियों को देता हूँ किस प्रकार ये यंत्र बैल की सहायता से चल रहा है। बहुत कामयाब है, बहुत कारगर है और बहुत फ़ायदेमंद है। चलिए अंकल जी नमस्कार। नमस्कार जी, धन्यवाद आपके दर्शकों को। जी आपने बहुत बढ़िया यंत्र बना रखा है, इसका क्या नाम है? इसको आम भाषा में त्रिफाला कहे हैं। त्रिफाला 3 फाड़ों का है। तीन हल होते हैं। इसको थोड़ा सा आप उठाएं एक बार दिखाएं। ये देखो इसमें 3 हल, 2 आगे एक पीछे ये लगे हुए हैं। पहले 2 बैल से जोता जाता था, आजकल क्योंकि 2 बैल रखने का सबसे पहले आपका परिचय बताएं, आपका शुभ नाम, आपका गांव। मेरा नाम राजेंद्र सांगवान। राजेंद्र सांगवान जी, आपका गांव? मेरा गांव दुबेटा है, दुबेटा जिला हिसार हरियाणा से। आप बहुत ही
प्रोग्रेसिव किसान हैं, बहुत ही अच्छे किसान हैं, कुदरत को ध्यान में रखते हुए, प्रकृति को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छी खेती कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूँ, जिस प्रकार युवा भटका हुआ है, ट्रैक्टर से खेती करते हैं या दूसरे यंत्रों से खेती करते हैं, आपने रोड के ऊपर इतने अच्छे से हल चलाया और मैंने देख के आपको ये वीडियो बनाया, तो आप साथियों को क्या कहना चाहेंगे? ये कहेंगे जो अपनी संस्कृति पुरानी है वो हम खोते जा रहे जी, इनका संरक्षण भी जरूरी है, इनकी हिफाजत करना जरूरी है। ये सब औजार आज खत्म हो चुके हैं लगभग जी जी जी, आने वाली पीढ़ी को हम ये नहीं बता सकेंगे हल भी कोई चीज होया करती। पशुओं गौ माता का संरक्षण भी होगा, क्योंकि हम पशुओं से खेती करेंगे, गौ संरक्षण भी होगा इससे, और इससे आज खुला छोड़ रहे हैं तो वो पशु भी हमारे काबू में रहेंगे। दूसरा खर्चा नहीं होगा, जुताई अच्छे से होती है, गहरी जुताई होती है जी, फसल ज्यादा पैदावार देती है और जमीन की गुणवत्ता सुधरती है। इसके जो कीट पतंग है वो भी, इसके जीवाणु हैं, उनकी संख्या बढ़ती है, और उनको नष्ट भी कम करता है जी, क्योंकि ये हल्के साथ से इधर इधर पड़ते वो काट देते हैं, काट देता है, और ट्रैक्टर दबाव भी देता है, काट भी देता है, और जो जल्दी जुताई करता है उससे जीव मरते हैं, जीवाणु खत्म होते हैं, और बैल और हल ये आपका त्रिफाला धीरे धीरे चलते हैं तो जीवाणु की संख्या बढ़ती है, मरते नहीं है। ये देखो केचुए, रेचुए के लिए ये नहीं, इतने जानवर क्यों आते हैं, बुगले भी चुगने के लिए खेत के अंदर घूम रहे हैं, जीवाणु है इसके अंदर काफी मात्रा में जी। और ये कहना चाहेंगे यदि हमें अपनी परंपरागत खेती की तरफ ध्यान नहीं दिया तो ये हमारी खेती आज घाटे का सौदा इसीलिए हो चुकी है। परंपरागत खेती की तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा जी, और इसी वजह से मैंने इधर मेरी कपास है उसमें भी इसी से काम किया है, मैंने इसी से जुताई की, इसी से लड़ाई की आपने, साथ में पड़ोसियों की है वो देखो, वो हमारी देखो, एक साथ एक दिन में बोई हुई है, अलग ही दिखाई दे रहा है, तो इसके फायदे तो हजारों फायदे हैं। मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, यह प्रत्यक्ष है, हमारी चीजें सामने दिखती है, सब कोई भी आके देख सकता है। इसकी जो जुताई है, दूसरा ये खेत को उबड़ खाबड़ भी नहीं करता जी जी, ऊंचा नीचा नहीं करता, लेवल भी सही रखता है, वैसे का वैसा रखेगा, पानी लगाने में किसी तरह की, और उपज भी ज्यादा होगी क्योंकि एक सार जमीन रहेगी जी, तो पैदावार भी ज्यादा होगी, और बैल के गोबर गौमूत्र से भी जमीन को फायदा होगा, जो ट्रैक्टर से पेट्रोल डीजल जलता है उससे नुकसान भी होता है खेती को, पेड़ पौधों को नुकसान होता है, पर्यावरण का भी संरक्षण होता है इससे, इसका भी पर्यावरण का बचाव भी होता है इसी से। ये देखिए, ये थे सांगवान साहब, बहुत ही शानदार तरीके से एक ही बैल से त्रिफाला हल से जुताई कर रहे हैं, जमीन को तैयार कर रहे हैं, आने वाली सर्दी की पशु चारा इसके अंदर जई और बरसीन लगाएंगे। युवा साथियों से रिक्वेस्ट है, आप इन चीज़ों के बारे में सीखें, देखें, समझें, उसका प्रयोग करें और अपनी खेती के अंदर होने वाले घाटे को बचाएं। मेरे को ये बहुत अच्छा लगा, एक ही बैल से हल जो चल रहा है वो बहुत ही अच्छा है, इसमें दो बैल की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, देखिए जमीन बहुत शानदार जुताई कर दी है। अंगल जी, कितनी बार निकाला इसमें ये हल आपने? ये दूसरी बार इसमें चल रहा है, एक ही बार में इतना अच्छा जो ज्वार इसके अंदर थी वो पूरी काट दी है, जमीन में मिला दी है और जमीन का लेवल बिल्कुल भी नहीं खराब किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, सभी किसान भाइयों का कुदरती खेती को वीडियो के लेके बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत माता की।